नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। डॉक्टरी पेशे को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। पंचकुला के सेक्टर 6 के जनरल अस्पताल के अंदर ही ओपीडी में अबॉर्शन करने के लिए 20,000 रुपए की डिमांड करने वाली डॉक्टर के घर का दूसरा वीडियो सामने आया है। यहाँ दवाई भी दी जाती है और 5,000 रुपए की लेन देन वाली बात भी सामने आई है। इसमें इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात भी डॉक्टर की जुबान से सुनाई देती है। डॉक्टर पूनम बोलती है कि मैं चाहूं तो 2 घंटे में नोच नोच कर निकाल दूं, पर एक भी हाथ रह गया, एक भी उंगली रह गई, फिर इतना बड़ा बच्चा है। पहले आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। मैंने कहा मैं तो निकल रही थी, ऑपरेशन करने जा पा रहा था, पानी रहा था। आप पेमेंट लाए हो थोड़ा? चार्ज दे दो, थोड़ी कमी है जी। कोई नहीं, अभी तो कमी ही सही है, कल कर लेंगे ना। अब मैं तुम्हें दूसरी गोली दे दूंगी, उसको तुरंत तुम्हें क्या करना है कि रात को एक खा लेना 9 बजे, और दूसरी सुबह 5 बजे, समझ गए? क्योंकि देखो अभी क्या बजे, अभी तो 4:30, अभी तो 3:30, समझो 4 बजे है, मोटा मोटा कर लो तो 4, 4, 8, 4, 12, ठीक है? चाहे तुम अर्ली मॉर्निंग खा लेना, छोड़ो अब उसके बाद, अब जो नेक्स्ट खाओगे सुबह 5 बजे उठ के खा सकती है। कम से कम 10 तो दे जाते हैं ना। मैं कल ले आऊंगा जी, कोई बात, दीदी से बात कर ली थी मैंने, वो पता क्या है, थे 12,000 थे, वो मौसी को देकर आया हूँ, थोड़ी कल मैं दे दूंगा, बाकी दीदी से होगी बात मेरी। वो तो गई थी, पर पेमेंट तो ले आना था ना, ऐसे पेमेंट नहीं मैं तो आप समझे नहीं, वो तो नहीं लेके आएगी ना मेडिसिन, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं लेके आऊंगी ना, इसीलिए कह रही थी कि इसको मैं कम से कम 10 तो आप देते ना, 10 अभी है तो आप ले आओ, फिर हम क्या कर लेंगे, मैंने तो गोली भी खिला दी इसीलिए, ऐसे ना करो ना, पहले 10 दे दूंगा ना, आप नहीं, मैं कह रही हूँ अभी 10 आप जमा करवा दो। अच्छा, मैं कह रही हूँ मुझे जो लाना इंजेक्शन वगैरह प्रोस्टेटिन वगैरह, वो ऊपर मैं गई थी सिस्टर के पास, वो भी नहीं मिला, अभी मैं उसको रोहित को फोन करूँ, पता डॉक्टर साहब एटीएम से निकलवा रहे हो, तो आप निकलवा दो ना एटीएम, तो एटीएम यहाँ पर ही है, 16 कार्ड वाला नहीं है मेरे पास, तो कौन सा एटीएम कार्ड नहीं है, पटियाला तो ले गए ना एटीएम, तो अभी आप वापस पटियाला जाओगे? नहीं नहीं, अभी जीरकपुर जाएंगे, तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप जीरकपुर चले जाओ ना, ले आओ ना, मैं ये कह रही हूँ, आप फिर कब तक मिलोगे? नहीं नहीं, मैं तो सिलेक्ट करके वापस आ जाऊंगी, मेरे को कितना दूर करना, और आप लाके चाहे डॉक्टर को दे देना, मेरे हस्बैंड तो आऊंगे, मैं तो वेट कर रही हूँ उस बंदे का, ठीक है जी, है ना, मैं उसको फोन करूँ, मुझे क्रॉसफिटिंग इंजेक्शन चाहिए, ज्यादा हो तो आपके हस्बैंड को पकड़ा जाऊंगा फिर। हाँ, मेरा हस्बैंड को पकड़ा दे, ऊपर गई थी वहाँ सिस्टर के पास, थोड़ा स्टडी इंजेक्शन तो बहुत जरूरी है, ब्लीडिंग अगर ज्यादा हुई तो उसको चाहिए होगा ना, फिर ऐसा नहीं होता है, हम मिनिमम हाफ तो पेमेंट लेंगे। सोनू, आपका प्रोस्टेटिन इंजेक्शन है ना? बस तो ठीक है, अगर ये क्या कहते हैं पेशेंट आएंगे अगर शाम को, तो हाँ मैं इनको भेज दूंगी, इनको दे देना प्रोस्टेटिन इंजेक्शन, ठीक है? चलो, मैंने इंजेक्शन से कह दिया कि रखा रहेगा, यहाँ IRCC एक नर्सिंग होम है। अच्छा जी। तो वहाँ एक लड़का सोनू है, ठीक है, वो देगा, उसे कॉटन रोल, अरे बहुत सारी चीज चाहिए, ड्रग सिरिंजेस चाहिए, ड्रग चाहिए, वो सब, तो मैं वही कह रही हूँ इसमें थोड़ी होगा कुछ भी, नहीं पैसे तो मैंने देनी है जी कल, नहीं आप समझे नहीं, आपको बता दे कि डॉक्टर पूनम भार्गव ने गर्भपात करने के लिए अपने घर पर ही सर्जरी का पूरा इंतजाम कर रखा था। शिकायतकर्ता अमन राजपूत और विनय अरोड़ा को पहले से ही डॉक्टर पूनम भार्गव के कारनामों के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए वह ट्रैप लगवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस की ओर से सहयोग न मिलने के चलते डॉक्टर पूनम भार्गव रंगे हाथों पकड़े जाने से बच गई। अमन राजपूत अपने साथ जिस महिला को गर्भपात के लिए पूनम भार्गव के घर ले गए थे, उसके गर्भ में बच्चे को मारने के लिए पहले तो महिला को गोली खिला दी, उसके बाद अमन से पैसे देने के लिए कहा। अमन ने जब कहा कि उसके पास अभी 3,000 रुपए ही हैं, तो वह भड़क गई थी और महिला को घर पर ही बिठा लिया। इसके बाद अमन ने 5,000 रुपए और लेकर आए थे। डॉक्टर पूनम भार्गव ने कहा कि इतना कुछ हो गया और आपको लगता है कि कोई ठोस बात नहीं होगी? उस बंदे को मैं इसलिए घर पर बुला रही थी ताकि मैं उससे पता लगा सकूं कि टेस्ट कहां से करवाया है, मतलब एक बंदे की हिम्मत देखो। मैंने उसे अच्छे से कन्विंस किया और उसे अपने घर बुला लिया। जैसे ही वो मेरे घर पर आता है तो उसे बोलती है कि देख मैंने तेरी मदद की, अच्छा ये बता तूने कि टेस्ट कहाँ से करवाया है। इसके बाद मैं अपने हायर अथॉरिटी को बताती हुई
की टेस्ट हो रहे हैं। इसके बाद 20 तारीख को वो बंदा मेरे घर पर 3 बंदों को लेकर आता है और 10 लाख रुपए की डिमांड करता है, नहीं तो मैं आपका पूरा चिट्ठा निकाल दूंगा। उसे पैसे नहीं मिले और उसने ऐसा कर दिया। डॉक्टर पूनम भार्गव ने कमेटी के समक्ष यह कबूल कर लिया है कि उसने गर्भपात करने के लिए अमन राजपूत से 8,000 रुपए नगद लिए थे। पूनम ने यह 8,000 रुपए कमेटी के पास जमा भी करवा दिए हैं, लेकिन जो नोट डॉक्टर पूनम ने कमेटी के पास जमा करवाए वह नोट दूसरे हैं, जबकि अमन ने 500-500 रुपए के नोट दिए थे वह दूसरे थे। उसके नंबर भी नोट कर रखे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डॉक्टर पूनम को सस्पेंड कर दिया है। डीजी हेल्थ हरियाणा को पूरे मामले में जांच करने के लिए कह दिया गया है। पूरे मामले में 3 वीडियो सामने आई है। एक वीडियो में सिविल सर्जन पंचकुला के पास गई है, बाकी 2 वीडियो में सामने आया है कि डॉक्टर को 8,000 रुपए भी दे दिए गए हैं, जिसमें 3,000 रुपए एक बार और 5,000 रुपए दूसरी बार दिए जाने की बात सामने आई है। 5,000 रुपए देने की बात भी वीडियो में रिकॉर्ड है। गर्भपात करने के लिए डॉक्टर पूनम भार्गव ने पूरा इंतजाम कर रखा था। एक केमिस्ट के कर्मचारी से वह गर्भपात के लिए प्रयोग होने वाली दवाइयां एवं सामान मंगवाती थी। मरीज के परिजनों को ही दवाइयां लेने के लिए भेजती थी। पूनम घर की वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वह अपने घर पर ही गर्भपात करती थी। डॉक्टरों की टीम ने सोमवार को पूनम भार्गव के घर पर भी छापा मारा, वहां रखे गए सामान की जांच की। घर में पूनम भार्गव एवं उनके पति के अलग अलग कमरे हैं। टीम के सदस्य इस बात से सहमत दिखे कि पूनम भार्गव संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थी। उनसे सच उगलवाने के लिए पुलिस की कार्यवाही जरूरी है, इसलिए जल्द ही पुलिस को मामला सौंपा जाना चाहिए। इस मामले में एक बात सामने आई है कि पूनम भार्गव ने शिकायतकर्ताओं से कहा कि मेरे घर के पास गटर है, उसमें काले लिफाफे में भ्रूण को गिरा देना। ऐसे में इस बात की जांच होना भी बहुत जरूरी है कि इससे पहले तो वहां कोई भ्रूण नहीं गिराया गया। अस्पताल सेक्टर 6 में 3 या 4 भ्रूण शौचालयों में मिल चुके हैं, उनके केस भी दोबारा ओपन करके जांच होनी चाहिए। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।